फौज से मेडिकली अनफिट करार दिए जाने पर रिटायर किए गए युवक का पत्नी से विवाद रहता था। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने थाने में जाकर शिकायत की। इसी बीच युवक ने हाथों की नसें काटकर जहरीली गोलियां खा ली। ये है मामला। डैश एमपी ऑनलाइन के उस चलाने वाले 33 साल के कौशलेंद्र सिंह से करवार उर्फ पिंटू ने बुधवार रात हाथ की नसों में कट लगाया और जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। पिंटू के बाएं हाथ में 14 कट के निशान मिले और मौके पर पेपर कटर भी मिला। डैश गुरुवार सुबह वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो घर वाले पहुंचे। कमरे में पिंटू निश्चल पड़ा मिला। परिजन तत्काल पिंटू को मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दहशत घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल अधिकारी डॉक्टर विनोद ढींगरा घटना स्थल पहुंचे। उन्हें कमरे में ब्लड पड़ा मिला। एफएसएल टीम को पिंटू के बाएं हाथ में 14 कट के निशान मिले। पत्नी ने शाम को पुलिस से की थी शिकायत। दहशत पिंटू का पत्नी प्रीति से विवाद होता रहता था। बुधवार शाम भी दोनों में झगड़ा हुआ। तनाव इतना बढ़ा कि प्रीति पति की शिकायत करने पुलिस थाने पहुंच गई। इस पर पुलिस ने पिंटू को थाने बुला लिया। पुलिस के बुलाए जाने पर पिंटू थाने तो पहुंचा, लेकिन वे इससे वे हाहत हो गया। बाद में वे प्रीति के साथ घर तो आ गया, लेकिन बिना डिनर किए सोने चला गया और रात में उसने सुसाइड कर लिया। फौज में था पिंटू, मेडिकली अनफिट होने पर हुआ था रिटायर। डैश कौशलेंद्र सिंह से करवार। पिंटू 6 साल पहले सेना में क्लर्क था। डिप्रेशन की बीमारी हुई तो मेडिकल अनफिट घोषित उसे रिटायर कर दिया गया था। उसे पेंशन मिलती थी। उसका मुरार आर्मी हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था। थोड़ी हालत सही होने पर पिंटू के पेरेंट्स ने प्रीति से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद उसके एक बेटा भी हो गया। पिंटू के पिता सुरेश सिंह से करवार फॉरेस्ट से रिटायर्ड हैं। परिवार में दो और भाई हैं। डिप्रेशन की बात छुपाकर की थी शादी। दश शादी के बाद पत्नी की शिकायत रही थी कि कौशलेंद्र के डिप्रेशन के बारे में झूठ बोलकर शादी की गई थी। पति पत्नी में अक्सर इस बात पर झगड़ा होता रहता था। दश फौज की नौकरी जाने के बाद कौशलेंद्र ने बहोड़ापुर के पास रामदास घाटी पर दुकान खरीदी थी। परिवार की यही इच्छा थी कि वह आराम से दुकान चलाए, क्योंकि पेंशन के सहारे खाली बैठने पर तनाव और डिप्रेशन हो सकता था।